इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने बात करी थी कि एक क्वाइल को जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम दो मैग्नेट के बीच में रोटेट कराएंगे किसी सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके दोनों एंड पे ईएमएफ ऑब्जर्व किया जाएगा। ये ईएमएफ वायर वन और वायर टू के बीच में होगा जो कि इन स्लिप रिंग के जरिए बाहर खींचा जा सकता है। ये फैराडे लॉ के इस प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें हमने कहा था कि मैग्नेट और क्वाइल के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट का फ्लो होगा। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग मैग्नेट के बजाय क्वाइल को रोटेशन देने वाले हैं। यहाँ क्वाइल को रोटेट कराया जा रहा है दो मैग्नेट के बीच में, और जैसे जैसे क्वाइल रोटेट करती है वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर फ्लैक्चुएट करता है। ये फ्लैक्चुएशन आगे पीछे इतना फास्ट होता है कि हम देख नहीं सकते, ये केवल समझाने के लिए बताया गया है कि ये आगे पीछे वेरिएबल वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, वेरिएबल वोल्टेज या वेरिएबल ईएमएफ। ईएमएफ क्वाइल के दोनों एंड पे आता है जिसको अचीव करने के लिए इस स्लिप रिंग्स का हमने यूज़ किया है। इन स्लिप रिंग के जरिए ये आउटपुट बाहर लाया जा सकता है। ये B1 और B2 के जरिए ये ईएमएफ हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं।